नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्री। जो देश अपने बच्चों को हथियार बनाकर लड़ने की कोशिश करे उससे कायर और गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान है तो सब मुमकिन है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटने से बौखलाया पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया है जिसकी उम्मीद भी कोई सभ्य देश नहीं कर सकता। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो भूत, वर्तमान और भविष्य सब अंधकार के दलदल में जकड़ा हुआ है। जिस आतंक को पाकिस्तान पाल पोस कर बरसों तक सहेजता रहा, वर्तमान में उन्हीं आतंकियों ने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर डाली है। अब पाकिस्तान के पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो आज की जनरेशन को सुधार सके ताकि उसका भविष्य बेहतर हो सके, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो अब भी अपने बच्चों के खून में जहर घोल रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें यहाँ के बच्चे भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों के मन में इतना मजहबी जहर खोल दिया गया है कि बच्चे अपने भविष्य से ज्यादा भारत की बर्बादी का सपना पाले दिख रहे हैं। इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने शेयर किया है और लिखा है कि एक और पाकिस्तानी जनरेशन के बच्चों का इंडिया जीतने के लिए ब्रेन वॉश, पुराना चूरन वही पुराना भ्रम। इस वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची दिखाई देती है जो कहती है कि इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, अब बस ये कहूंगी कि वो गोवा की साइड में बड़ा सा घर ले ले। दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे हिंदी जुबान नहीं आती, सिर्फ उर्दू चलेगी वहाँ। एक कहता है कि कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। एक बच्चा कहता है कि ताजमहल पर जश्न तकमीले पाकिस्तान मनाएंगे। कोई कहता है कि फतेह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। आगे एक और बच्चा कहता है कि जब आएंगे ना पूरे मुल्क को बाथरूम बना कर देंगे। और आखिर में एक बच्चा ये कहते हुए दिखाई देता है कि सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद में बनेगा पाकिस्तान। इस वीडियो के अंत में अल्लाहु अकबर का म्यूजिक लगाया गया है और भारत के नक्शे पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। नायला इनायत ने जैसे ही ये वीडियो शेयर की इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। क्राइम मास्टर गोगो नाम के यूजर ने लिखा कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से भी ज्यादा हसीन है। एक यूजर ने लिखा, इसे कॉमेडी मूवी ऑफ द ईयर का लास्ट अवार्ड जरूर मिलेगा। वहीं बेनाम नाम के यूजर ने लिखा कि इसकी वजह से मुझे अपने देश से और प्यार हो गया क्योंकि ये पाकिस्तानी आज भी उसका सपना देख रहे हैं जो हमारे पास पहले से है, सपने देखते रहो। रवि राय नाम के यूजर ने लिखा कि फिर इसके बाद ये कहेंगे कि पाकिस्तान को लेकर जिन्ना के सपने के साथ क्या हो गया, जो धरती पाक है जिस तरह के हालात में ये देश है ये अब भी ऐसे छोटे प्रोडक्ट्स की सराहना करते हैं, अल्लाह इन पर रहम करे। एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान का स्कूल कोर्स यानी आतंकवाद। वरुण गांधी नाम के यूजर ने लिखा, सच है मैंने कभी अपने बेटे को नफरत और पाकिस्तान जीतने की बात नहीं सिखाई, ना ही भविष्य में ऐसा करूंगा। पुराना पाकिस्तान इस नए पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छा था। रामचरण नाम के यूजर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड फेमस है। खबरों के मुताबिक ये वीडियो इस्लामिक जमाते तलबा पाकिस्तान ने बनाया है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मास मीडिया प्रोडक्शन है। इस वीडियो को कश्मीर प्रोमो का नाम दिया गया है, लेकिन इस प्रोमो में जिस तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया है उस पर सवाल उठने लगे। जाहिर है हिंदुस्तान के प्रति अपने बच्चों में नफरत भरकर पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। भारत के प्रति यही सोच उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाएगी, जैसा कि आज तक होता आया है।